हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? टुडे वी आर गोइंग टू सी अ न्यू फ्लावरिंग प्लांट। एक्चुअली ये प्लांट नहीं है, काफ़ी बड़ा हो जाता है प्लांट से। इसको हम कहते हैं ब्रगमेंसिया और एंजल्स ट्रम्पेट। रियली रियली कहिए, मेरे हाथ के साइज से भी बड़े हुए हैं। तो क्योंकि इसका फ्लावर का शेप जो है ट्रम्पेट के जैसा लगता है देखने में। ये जीनस ब्रगमेंसिया से है और फैमिली इसकी है सोलेनेसी। Brugmansia is a genus of seven species of flowering plants in nightshade family Solanaceae. तो ये nightshade family से belong करता है जो कि Solanaceae है, और इनके सात प्रजातियां होती हैं। ये मेरे हाथ के साइज का फूल हो गया है। ये तो ना बड़ा फूल है मेरे हाथ के साइज का। They are woody trees or shrubs with pendulous flowers. ये लकड़ी के पेड़ के समान होते हैं और इन पर फूल जो है नीचे की तरफ लटकते हैं गुच्छों में, और इनके फ्रूट्स पर कोई भी कांटे नहीं होते हैं। Large fragrant flowers give them their common name of angel's trumpet, a name sometimes used for closely related genus Datura. तो ये फ्लावरिंग स्पीशीज जो है काफ़ी देखने में सुंदर लगते हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट्स में गिने जाते हैं। इन्हें हम ऑर्नामेंटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गार्डन को डेकोरेट करने के लिए लगाए जाते हैं। दीज प्लांट्स कैन रीच अप टू द हाइट ऑफ 10 to 36 feet। ये प्लांट 10 से 36 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकते हैं। The leaves are alternatively arranged along the stems, generally large, with an entire or coarsely toothed margin, and are often covered with fine hairs. इनकी पत्तियां वैकल्पिक रूप से तनों के साथ व्यवस्थित होती हैं और आमतौर पर बड़े, पूरे या मोटे दांत वाले मार्जिन के साथ होती हैं, और आमतौर पर ये बालों से अच्छी तरह से ढकी होती है। द नेम एंजल्स ट्रम्पेट रेफर्स टू द लार्ज पेंडुलस ट्रम्पेट शेप फ्लावर्स 14 to 50 centimeters लॉन्ग। एंजल की तुरई नाम का अर्थ बड़े लटके हुए तुरही के आकार के फूल से है जो 14 से 50 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। दे कम इन शेड्स ऑफ व्हाइट, येलो, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन और रेड। ये सफेद, पीले, गुलाबी, नारंगी, हरे या लाल रंग के रंगों में आते हैं। Most have a strong, pleasing fragrance that is most noticeable in the evening. Flowers may be single, double. ज़्यादातर इन फूलों की खुशबू काफ़ी तेज होती है और शाम के टाइम को ही ज़्यादा पता चलता है इसका। ये फूल अक्सर सिंगल भी होते हैं और
Brugmansia are easily grown in a moist, fertile, well-drained soil, in sun to part shade, in frost-free climates. Brugmansia आसानी से नम उपजाऊ सूखी मिट्टी छाया या धूप में और ठंड से मुक्त जगह पर आसानी से उगाया जाता है। Then they begin to flowers in mid to late spring in warm climates and continue into the fall, often continuing as late as early winters in warm conditions. ये गर्म मौसम के बीच से वसंत ऋतु तक फूल देने शुरू कर देते हैं और शरद ऋतु में गिरने शुरू हो जाते हैं। ये अक्सर गर्म परिस्थितियों में देर से सर्दियों के रूप में जारी रहते हैं। Most Brugmansias may be propagated easily by rooting cuttings taken from the end of a branch during the summer. अधिकांश Brugmansia को गर्मी के दौरान एक शाखा से अंत से ली गई कटिंग के द्वारा आसानी से फिर से लगाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आ गए हैं एंड में। तो ये प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाता है, ये तो बहुत आसान बात है और इसके लिए ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा और प्लीज़ जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ने में हेल्प करें। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा आइडिया है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं या मेरे को इंस्टाग्राम पर रीच कर सकते हो, जो मेरा इंस्टाग्राम जो है मेन पेज पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ओप्स, प्लीज लाइक करना नहीं भूले डियर, लाइक से हमारे को पता चलता है आपने हमारी चीज़ बनाई हुई पसंद करी है, तो लाइक करना ना भूले प्लीज। थैंक यू सो मच।